एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ शिंग शिंग तीसरे गुंडे को भी बेहोश कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो सीधे अपने घर जाती है और उसकी माँ से मिलती है और उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो शिंग शिंग कहती है कि हाँ वो ठीक है, पर वो उसकी माँ से कहती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं किडनैप हो गई थी। तो उसकी माँ उससे कहती है कि गुएंगजेन यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए आया था, उसी ने मुझे बताया। तो ये सुनकर शिंग शिंग कहती है कि गुएंगजेन कहाँ पर है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो अभी भी तुम्हें शहर में ढूंढ रहा है। तो फिर शिंग शिंग जल्दी से भागते हुए बाहर जाती है और गुएंगजेन को ढूंढने लगती है। और फिर वो सोचती है कि वो गुएंगजेन के घर पर जाए और फिर वो एक रिक्शे वाले को रोकती है और उसे गुएंगजेन के घर तक जाने के लिए उसे बिठाने के लिए कहती है, पर वो रिक्शा वाला उसे इग्नोर करने लगता है। और वो शिंग शिंग से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम करना है। तो शिंग शिंग कहती है कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो वो रिक्शे वाला शिंग शिंग की तरफ देखता है और अपनी जेब से एक पोस्टर निकालता है और उससे कहता है कि क्या ये तुम हो। तो शिंग शिंग कहती है कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो ये सुनकर वो रिक्शे वाला बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और शिंग शिंग को बैठने के लिए कहता है और उसे अपने रिक्शे में बिठा कर गुएंगजेन के पास लेकर जाता है। और दूसरी तरफ बेचारा गुएंगजेन शिंग शिंग का पोस्टर लेकर बीच रास्ते में थका हारा हुआ खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर रिक्शे वाला शिंग शिंग को लेकर आता है और गुएंगजेन को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगता है। और यहाँ पर गुएंगजेन पीछे मुड़ता है और वो शिंग शिंग को देखता है और फिर गुएंगजेन उसके पास जाता है और यहाँ शिंग शिंग उसे बुलाती है और यहाँ गुएंगजेन रोते हुए स्माइल करने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि गुएंगजेन शिंग शिंग को ढूंढने के चक्कर में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ शिंग शिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ शिंग शिंग गुएंगजेन को लेकर उसके घर पर आती है और उसका ध्यान रखने लगती है। और वो देखती है कि गुएंगजेन के हाथ में उसी के शर्ट का बटन होता है और गुएंगजेन नींद में भी शिंग शिंग का नाम ले रहा होता है। ये देखकर शिंग शिंग को गुएंगजेन पर प्यार आने लगता है और फिर वो उसका ध्यान रखने लगती है और उसके पास ही बैठी रहती है। और फिर हमें एन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का आकर उसे फ्लावर के बारे में पूछने लगता है तो एन उसे बताने लगती है, पर वो लड़का तो किसी और ही मोटिवेशन से वहाँ पर आया होता है। वो एन को छेड़ने के लिए वहाँ पर आया होता है और वो एन को जैसे ही छेड़ने लगता है तभी वहाँ पर बुली बॉय आ जाता है और उसे देख लेता है और उसे उस शॉप से बाहर निकाल देता है और बाहर जाकर उसकी कुटाई करता है। और फिर वो वापस शॉप में आता है जहाँ पर एन उसे बैंडेजेस लगा कर देती है और यहाँ पर बुली बॉय एन को ही घूरे जा रहा होता है, क्योंकि अब उसके दिल में एन के लिए फीलिंग्स डेवलप्ड हो रही होती है। और फिर वो उसकी शॉप की सजावट करने में उसकी हेल्प करता है और यहाँ दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं। और देखते ही देखते शाम हो जाती है और यहाँ बुली बॉय एन से कहता है कि क्या वो आज उसके साथ डिनर पर चलेगी। तो एन उसे हाँ कह देती है और फिर दोनों ही जाता है डिनर पर। और फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुली बॉय वापस एकेडमी में आ चुका होता है और एन ने उसके हाथ में बैंडेजेस लगाई होती है। उस हाथ को देखकर वो स्माइल करने लगता है। तभी उसका रूममेट आता है, इसलिए वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। और उसका रूममेट जैसे ही वहाँ से जाता है वो फिर से उस बैंडेजेस को देखकर स्माइल करने लगता है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुएंगजेन को होश आ गया होता है और शिंग शिंग उसके लिए सूप लेकर जाती है। और यहाँ गुएंगजेन अपना मुंह खोलकर बैठ जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि शिंग शिंग उसे अपने हाथ से खिलाएगी, पर शिंग शिंग उसे घूरने लगती है, इसलिए वो अपना मुँह बंद कर लेता है और फिर शिंग शिंग के हाथ से गुस्से में से कटोरा छीन लेता है जिससे उसके हाथ पर सूप गिर जाता है और शिंग शिंग उसकी केयर करने लगती है। ये देखकर गुएंगजेन उसकी तरफ देखने लगता है तो शिंग शिंग उसे कहती है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तो गुएंगजेन पाउच बनाने लगता है और उसे कहता है कि जल्दी से मुझे किस दो। तो शिंग शिंग उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसे पीछे धकेल देती है बेचारा गुएंगजेन। और यहाँ पर शिंग शिंग उसे कहती है कि कल उसने गुंडों से फाइट की थी। तो गुएंगजेन कहता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे दिखाओ। तो शिंग शिंग कहती है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी। फिर भी गुएंगजेन उसे फोर्स करने लगता है कि उसे चोट दिखाए। और यहाँ पर शिंग शिंग की मॉम उसे बुला लेती है और शिंग शिंग उसे कहती है कि ऐसी हरकतें मत करो, मॉम हमें देख लेगी। तो गुएंगजेन उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम उनकी आंखों में मुझे सलीन लॉ की तरह देखती है। तो ये सुनकर शिंग शिंग उसके ऊपर हंसने लगती है। और यहाँ पर गुएंगजेन शिंग शिंग का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं रह सका, पर मैं अब से तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर शिंग शिंग स्माइल करने लगती है। और फिर गुएंगजेन रेडी होकर बाहर आता है जहाँ पर शिंग शिंग के डैड उससे पूछते हैं कि वो कैसा है।
तो गुएंगजेन कहता है कि वो ठीक है और वो शिंगशिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और उसकी मॉम उन दोनों को साथ में देखकर कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं तुम्हें अपने सन इन लॉ की तरह इस घर में देखना चाहती हूँ। ये सुनकर गुएंगजेन स्माइल करने लगता है तो शिंगशिंग गुएंगजेन को चिढ़ाने के लिए कहती है कि मॉम मैं इसे पसंद नहीं करती, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो शिंगशिंग की मॉम कहती है कि पर मुझे तो गुएंगजेन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर गुएंगजेन स्माइल करने लगता है तो शिंगशिंग जोर से उसे चुटी काटती है और यहाँ पर गुएंगजेन और वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और उन दोनों को देखकर उसकी मॉम स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर डोर नॉक होता है और शिंगशिंग देखने के लिए जाती है कि कौन आया है। और वहाँ पर जैसे ही वो डोर खोलती है वैसे ही शेंगजुन उसको पकड़ लेता है, उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये देखकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर शिंगशिंग के डैड उसे कहते हैं कि तुम कौन हो। तो शेंगजुन उनसे कहता है कि मैं शेंगतिंगबे का छोटा भाई हूँ। और यहाँ शेंगतिंगबे का नाम सुनकर उसके डैड को याद आता है कि एक बार वो उनकी पार्टी में गया था और उनसे मिला था। और वो शेंगजुन को अंदर आने के लिए कहते हैं और यहाँ शेंगजुन और गुएंगजेन दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और यहाँ शिंगशिंग की मॉम शिंगशिंग को घूरने लगती है और उसे बाहर लेकर जाती है और उससे कहती है कि ये लड़का कौन है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ गुएंगजेन पसंद है और मैं उसे ही सन इन लॉ की तरह देखना चाहती हूँ, और उसे ज़ोर से चुटी काटती है। तो शिंगशिंग उसकी मॉम से कहती है कि वो लड़का सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर शिंगशिंग की मॉम कहती है कि ठीक है। और फिर वो लोग अंदर जाकर बैठते हैं जहाँ पर गुएंगजेन और शेंगजुन एक दूसरे को ही घूरे जा रहे होते हैं और उनकी ऑकवर्डनेस ख़त्म करने के लिए शिंगशिंग की मॉम कहती है कि ठीक है मैं खाना लगाती हूँ। और यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पर अभी तक गुएंगजेन शेंगजुन को ही घूरे जा रहा होता है। और खाना खाने के बाद शेंगजुन को सभी लोग बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं और शिंगशिंग के डैड शिंगशिंग से कहते हैं कि जाओ जाकर शेंगजुन को छोड़ कर आओ। और यहाँ शिंगशिंग उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है और वो शेंगजुन से कहती है कि तुम्हें कब से पता है कि मैं एक लड़की हूँ। तो ये सुनकर शेंगजुन से कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पहले से ही पता है। और वो उसे जाते हुए कहता है कि कल तुम अकेडमी में वापस आ जाना क्योंकि यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो। शिंगशिंग उसे मना करने लगती है पर शेंगजुन उसे कहता है कि तुम्हें आना ही है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर शिंगशिंग वापस घर पर जाती है जहाँ पर गुएंगजेन बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है और वो गुएंगजेन के पास जाकर उसे कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो गुएंगजेन हंसने लगता है और शिंगशिंग उसे कहती है कि कल हमें वापस अकेडमी में जाना है। तो गुएंगजेन कहता है कि ठीक है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंगजुन उन दोनों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आया होता है और यहाँ पर गुएंगजेन शेंगजुन के साथ जाना नहीं चाहता था इसलिए वो वहाँ से जा रहा होता है। तो शिंगशिंग उसे रोकती है और उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ ही चलो। और यहाँ पर गुएंगजेन को उसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो तीनों लोग जाते हैं उस लड़की के पास जिसने जापानीज के लिए काम किया होता है ट्रांसलेट करने का। और वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वो लड़का उन लोगों को सारी डिटेल्स दे देता है जापानीज के खिलाफ और उन लोगों से कहता है कि उन जापानीज के पास एक मैप है जिसके थ्रू वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धंधा कर रहे हैं और वो मैप कहाँ पर छुपाया है वो उस जगह का लोकेशन उनको देता है। और वो तीनों ही लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस मैप को ढूंढने लगते हैं और वहाँ पर शिया के आदमी आ जाते हैं और शिया को भी इस बारे में पता चल गया होता है और यहाँ उन तीनों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है इसलिए वो भी डोर के पास जाकर गन लेकर खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ शिया के बॉडीगार्ड्स भी डोर के पास खड़े हुए होते हैं और बिना डोर खोले वो गन फायर करने लगते हैं और यहाँ डोर के थ्रू गोलियाँ बाहर निकल रही होती है और एक गोली जाकर लगती है एक पेंटिंग से और वो पेंटिंग नीचे गिर जाती है और उसके पीछे मैप होता है और शिंगशिंग उस मैप को देख लेती है और शिंगशिंग उस मैप को उठाने के लिए जाती है और यहाँ पर शेंगजुन और गुएंगजेन दोनों ही उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और शिंगशिंग उन लोगों से कहती है कि ये मैप की ही नोटबुक है और ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भागती है और उन लोगों से भी कहती है कि जल्दी से तुम लोग भी बाहर आओ और वो खिड़की से कूद कर वहाँ से बाहर भागती है और शिया बाहर बैठे हुए उसे देख रही होती है और वो उसके पीछे जाती है। और दूसरी तरफ शेंगजुन और गुएंगजेन अभी तक वहाँ पर होते हैं और वो दोनों भी उन लोगों से फाइट कर रहे होते हैं और शेंगजुन गुएंगजेन से कहता है कि तुम यहाँ से निकलो। और फिर गुएंगजेन खिड़की से कूद कर वहाँ से बाहर निकलता है और शेंगजुन उसके पीछे पीछे होता है। और दूसरी तरफ शिंगशिंग जैसे ही भागते हुए जा रही होती है तभी शिया एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देती है और शिया के पास तलवार होती है पर शिंगशिंग खाली हाथ होती है, फिर भी वो उसी के साथ फाइट करती है और यहाँ दोनों के बीच में बड़ा मुकाबला होता है जहाँ पर शिंगशिंग उसे मात दे रही होती है और फिर वो उसे धक्का दे देती है और उसे कहती है कि तुम इसी नोटबुक के लिए मेरे पीछे आई हो ना। और फिर वो उस मैप वाली नोटबुक को
एक चूल्हे में फेंक देती है। ये देखकर शिया जल्दी से उस नोटबुक को लेने के लिए जाती है, पर शिनचिंग उसे ये करने नहीं देती और उसके साथ फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर शेंगजुन और गुएंगजिन आ जाते हैं, और आते ही शेंगजुन शिया पर फायर करने लगता है जिसकी वजह से शिया भाग कर छुप जाती है। और यहाँ पर वो तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिया वापस बाहर आती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।